बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग हाजिर है, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सब्जियों के चावल बना रही हूँ, जिसमें ये गाजर और शिमला मिर्च, मटर और बंद गोभी और फूल गोभी है, और ये टमाटर, ये पुदीना, हरी मिर्चें, दो तीन दरमियाने टमाटर है, और वो और आलू है साथ में, और ये चिकन और चिकन क्यूब है जो सब्जियों के चावल में बहुत जायका करती है, और गर्म मसाले हैं साबत और साथ में कड़ी पत्ता है और दो लीमू है। तो ये जी मैं स्टार्ट करती हूँ भाई जी। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने काट लिया है, और इसमें मैं जो साबुत गर्म मसाला है वो भी ऐड कर दूँगी, शामिल कर दूँगी, क्योंकि उनसे बहुत अच्छा जायका और फ्लेवर होता है अगर हम इस टाइम में डाल लें तो, ये बहुत मज़े का टेस्ट करती है इस टाइम, और साथ में भुन भी जाते हैं, मसाले कच्चे नहीं रहते, भुनने से जो उनका टेस्ट और जायका आता है वो अलग तरह के आता है, अलग उसका जायका होता है। और अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी, और ऑयल अपनी मर्ज़ी से डालें, अगर आप कम डालना चाहते कम, तो मैं तो तकरीबन डेढ़ प्याली डालती हूँ, उसी से चावल बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह चावल खले खले पकते हैं, और चावल वैसे भी चावलों में ऑयल कम डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये जी मैं इसमें ये इसे फ्राई कर रही हूँ प्याज को, प्याज को मैंने ब्राउन करना है, बीच में मसाले भी भुन जाएंगे, ये बहुत मज़े का टेस्टी पुलाव बनेगा। और ये सब्जियों का तो आजकल जो मौसम है, आजकल तो बहुत सी सब्जी आई हुई है, मटर है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, और फूल गोभी है, और जो जो आप अपनी मर्ज़ी से डालना चाहे वो डाल सकते हैं। कई लोग तो इसमें वो मेथी वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ये कुछ चीज़ें ही डालती हूँ। इसमें फूल गोभी होती है, गाजर होती है, शिमला मिर्च होती है, बंद गोभी होती है, आलू होते हैं और मटर होते हैं, और साथ में इसमें जायका टेस्ट करने के लिए कुछ टेक्ट आपको मैं बताऊँगी, जो आप इसमें डालेंगे टिप्स वगैरह, वो उससे आपके चावलों का और अच्छा जायका और मुनफरद जायका होगा। ये दो बाद यान के फूल भी मैंने इसमें डाले, ये बहुत अच्छा जायका रहते हैं। अगर चावलों को आपने ज़्यादा मज़े का जायकेदार बनाना है तो उसमें जायफल या जावित्री का थोड़ा सा पेस्ट लाजमी डाला करें, कूट के मोटा मोटा, उससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये जी मैं गरम मसाले इसमें डाल रही हूँ, ऑयल गरम हो चुका है, और अब इनको मैं फ्राई करूँगी प्याज़ों के साथ ही, और कड़ी पत्ता एक या एक छोटा एक बड़ा कड़ी पत्ता मैं डालती हूँ, और ये चीज़ पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट और जायका करती है। पुलाव ऐसी चीज़ है जो हर कोई शौक़ से खाता है, बच्चे बूढ़े हर तरफ सब लोग शौक़ से खाते हैं, पुलाव ऐसी रेसिपी है कि जिसे हर कोई पसंद करता है। ये जी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, ये मुसलसल चमचा मारते रहना है, क्योंकि प्याज काले ना हो जाए, नीचे से बराबर के रहे ऊपर नीचे से। इसमें गरम मसाले में मैंने दो बादियान के फूल थे, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी और लौंग थे, और ये देखे जी ये सब्जी है जो मैंने काट के रखी हुई है, ये मटर, आलू है, बंद गोभी है, ये सारी सब्जियाँ, और इसमें अच्छा अगर टेस्ट करना है, ये आपकी टिप भी थी याद की कि चिकन टिक्का जो मसाला है वो आप इसमें थोड़ा सा डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिरयानी मसाले तो हम डालते ही रहते हैं, लेकिन ये चिकन टिक्का जो है इसका फ्लेवर बहुत अलग से टेस्ट आता है, बहुत मज़े का आता है। ये जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं भूनूँगी, अगर चिकन वगैरह डालना हो तो फिर मैं इतना नहीं भूनती अदरक लहसुन को, चिकन को बीच में डाल के उसे भूनती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है चिकन का, लेकिन इसमें मैं ये सब्जियाँ डालनी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ब्राउन किया। अब इसमें मैं ज़ीरा और साबुत काली मिर्ची डाल दूँगी, ये मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भून के काली हो जाती है, इसलिए इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता, भून के ज़्यादा ये कड़वे हो जाता है, इसलिए मैं इस वक्त डालती हूँ जब सब्ज़ियाँ डालती हूँ। ये मैं सारी सब्ज़ियाँ इसमें डाल रही हूँ, अब इनको मैं भूनूंगी, और ये सब्जियों को इसी में गलाना है, और इसको आपने पानी डालने से पहले बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ये इसमें मैं सब कुछ डाल दूंगी, ये मटर गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी, आलू है, और ये तीन टमाटर बड़े बड़े हैं, पुदीना और हरी मिर्ची है, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी मैं।
अब इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से। ये अभी कुछ भी नहीं डालने से पहले इन्हें 5 मिनट के लिए लाजमी भूना करें सब्जियों को, क्योंकि इसके भूनने का टेस्ट जो फ्लेवर चावलों में आता है वो बहुत अच्छा आता है। अब जी इन्हें भूनने के बाद इसमें मैं कनौज चिकन क्यूब इस स्टेज पर डाल दूँगी, ये दोनों के दोनों क्यूब डाल दूँगी, क्योंकि इससे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत जायका आता है। पुलाव वाली चिकन क्यूब नहीं डालनी, हमने दूसरी चिकन क्यूब डालनी है, क्योंकि वो पुलाव वाली चिकन क्यूब जो है ना वो इतनी जायकेदार नहीं होती। मसाले तो हमने इसमें डाल दिए होते हैं, इसमें चिकन का फ्लेवर सिर्फ होता है, मसालों का नहीं होता इस चिकन क्यूब में, इसलिए आपने पुलाव वाली चिकन क्यूब नहीं डालनी। तो ये दूसरी चिकन क्यूब मैं डालती हूँ, तो इससे चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। ये अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी थोड़ी देर, ताकि ये इसमें चिकन क्यूब भी रच पच जाए और मसाले भी। ये सारी सब्जियां आजकल की मौसम अब इसमें मौसम के मुताबिक होती है, जो बहुत अच्छा टेस्ट और जायका करती है चावलों में। अब इसमें एक चम्मच मैं लाल मिर्च डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने दूसरे मिर्च भी डालनी है। ये जी ये तिक्का मसाला है, ये तिक्का फ्लेवर है जो नेशनल वालों का, ये बहुत अच्छा फ्लेवर करता है। ये एक चम्मच इसका मैं डाल दूँगी, और साथ में हसबे ज़रूरत नमक, जितना आप डालना चाहें, जितने चावल डालने उस हिसाब से नमक में डालती हूँ। कुछ लोग चावल नमक नहीं ज़्यादा डालते, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक हसबे जायका जैसे आपने नमक डालना चाहते डाल लिया करें। और ये पानी इसमें डाल दूँगी मैं, ये पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए इसको रखना, इसे भूनूंगी। अभी थोड़ा सा पानी डालना है, ताकि ये सब्जियां वगैरह इसी पानी में टमाटर वगैरह सब पेस्ट बन के एक सालन की शक्ल में तैयार हो जाए, क्योंकि सब्जियां गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और इस स्टेज पे जब मैं सब्जियां गला लेती हूँ, तो इससे ये होता है कि बाद में जो पानी हम डालते हैं चावलों के लिए, उसमें बस एक दो बाल के बाद ही हम चावल डाल लेते हैं, क्योंकि उसमें हम सब्जियां उबलने का इंतजार नहीं करते। और इस तरह अगर हम थोड़ा सा पानी डाल के सब्जियों को उबालेंगे, तो इसमें नमक मिर्च मसालों का हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा सब्जियों में पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा मैं जायफल का पाउडर था जो डाली हूँ, ये बहुत अच्छा जायका करता है। ये लाजमी मैं डालती हूँ चावलों में, सिर्फ चावलों में, चावलों में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जी इसमें पानी डाल के अब इनको मैं गलाने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ढाँप के, तो कुछ देर बाद ये देखिएगा गल के कितना अच्छा सारा सालन की सूरत में बन जाए, और सारा जायका इसमें नमक मिर्च मसालों का। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये जब पानी खुशक हो चुका है, सब्जियाँ भी गल चुकी है, सब कुछ आलू वगैरह भी गल चुकी है। अब चावल इससे ये होता है कि बहुत जल्द पक जाते हैं, टाइम कम लगता है, और इस तरह जो मसाला तैयार होता है वो चावलों में बहुत अच्छा फ्लेवर करता है। अब जी इसमें मैंने चावलों का पानी डाल दिया है, जिससे मैं चावल पकाना है। अगर आपके 3 गिलास चावल है, तो इसमें मैं 3.5 गिलास चावल में पानी डालती हूँ, क्योंकि इस तरह चावल खिले बनते हैं। चावलों को अगर सही तरह भिगोया हो तो फिर 3.5 गिलास, अगर नहीं भिगोया हुआ तो फिर आप उसके चावलों के जो होता है डबल उतना डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह डालती हूँ, क्योंकि चावल मैं कम से कम 45-30 मिनट के करीब लाजमी जो है ना भिगोती हूँ। इधर आप लीमू डाल दे जो आपने धो काट के रखे हुए थे, लीमू इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर करते हैं। और गरम मसाला जो पीसा होता है वो थोड़ा सा डाल दे। तो इस स्टेज पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं, नमक अगर कम ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। अब इसे मैं दाम पे रखूँगी, ये देखे जी चावल पकने वाले हैं, ये पानी खुशक हो गया, अब इसको दाम में रखूँगी 15 मिनट के बाद। दाम पे रखने के बाद तो ये चावल बहुत अच्छे मज़े के तैयार हो जाएंगे, ये देखे जी, ये माशाल्लाह देखे जी, ये दाम लग चुका हुआ है। तो ये चावल देखे माशाल्लाह कितने मज़े के खिले खिले, बहुत प्यारे और कितने अच्छे तैयार हुए। और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बहुत मज़े का होता है। आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। ये भी सब्जियों की, ये चावल जो है ये सुगात है, सर्दियों में लोग बहुत पकाते हैं, क्योंकि सब्जियां ये मटर जो होते हैं वो इसी मौसम में अच्छे लगते हैं सब्जियों में। आपको मेरी रेसिपी अगर ये पसंद आए लाजमी लाइक कमेंट कर दे कीजिएगा, और तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, सलामत रहिए।